हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। द टॉपिक इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अभी तक हमने जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखे वहां पे हमेशा हम एक रेडी क्यू लेते हैं, मतलब कि जितने भी प्रोसेसेस को हमने एग्जीक्यूट करना है, व्हाट वी डू, वी ट्राई टू पुट ऑल द प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, और रेडी क्यू में सारे प्रोसेसेस में से हम कुछ प्रोसेसेस को वन बाय वन वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एंड वी गिव देम टू द CPU। मतलब इतने सारे प्रोसेसेस में से हम किसी प्रोसेस को शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बेस पे हम उठाते हैं और CPU के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास सिस्टम में रियल लाइफ में एक टाइप के प्रोसेस नहीं होते, प्रोसेसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो जब प्रोसेसेस डिफरेंट टाइप्स के हैं तो व्हाई देयर इज ओनली वन रेडी क्यू फॉर दैट। तो मल्टी लेवल क्यू क्या बोलता है कि मेरे पास तीन टाइप के अगर प्रोसेस हैं, सिस्टम प्रोसेसेस जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जैसे कि इंटरप्ट। अगर सिस्टम में इंटरप्ट जनरेट होता है तो सारी वर्किंग बंद हो जाएगी, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट को ही हैंडल करेगा। ऐसे ही इंटरेक्टिव प्रोसेस मतलब जैसे अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हो, VLC पे काम कर रहे हो या कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मतलब किसी एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्टिव प्रोसेस। बैच प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, इनको बैकग्राउंड प्रोसेस भी बोलते हैं, जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो है हम सिस्टम को दे देते हैं और सिस्टम बैकग्राउंड पे अपने आप उनको एग्जीक्यूट करता रहता है। तो अगर मेरे पास इतने अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी भी अलग अलग है, तो व्हाई देयर इज ओनली वन क्यू फॉर दैट, कि हम सारों को बिना ये देखे कि वो प्रोसेस किस टाइप का है हम एक रेडी क्यू में डाल देते हैं और वहां से CPU को दे देते हैं। नहीं, मल्टी लेवल क्यू क्या बोलता है कि देयर मस्ट बी डिफरेंट क्यू फॉर एवरी प्रोसेस। मतलब हर एक के पास अपनी एक रेडी क्यू होगी, जैसे ही कोई सिस्टम प्रोसेस आएगा हम इस क्यू में डाल देंगे, जैसे ही कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस हम इसमें, बैच प्रोसेसेस हम इसमें डाल देंगे, और इनमें प्रायोरिटी भी हमने पहले डिसाइड कर रखी है। दूसरा पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक प्रोसेस का अपना एल्गोरिदम भी हो सकता है। मतलब अगर कोई प्रोसेस सिस्टम प्रोसेस है तो वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज करके होगा। मतलब अगर मेरे पास 5-10 सिस्टम प्रोसेसेस है, उन 5-10 सिस्टम प्रोसेसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, राउंड रॉबिन से। अगर मेरे पास 5-10 इंटरेक्टिव प्रोसेस है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, लाइक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मतलब मैं कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो यूज कर सकता हूं, सेम भी हो सकते हैं, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और हम उनको CPU को एक एक करके देंगे। तो यहां पे जो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या आ रही है, वी आर कैटेगराइजिंग द प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट रियल लाइफ सिनेरियो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑब्वियसली अगर मेरे पास ज्यादा सिस्टम प्रोसेस आते गए तो इंटरेक्टिव प्रोसेस और बैच प्रोसेस की टर्न तो आएगी नहीं, वो तो CPU पे बहुत लेट चलेंगे। तो जब भी सिस्टम प्रोसेस आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, बैच प्रोसेस और ये वेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, स्टारवेशन की, क्योंकि जो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस है वो तो वेट करते रहेंगे अपनी टर्न की। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू को यूज कर सकते हैं, जो इसका नेक्स्ट वर्जन है। सो इस कॉन्सेप्ट में मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में इतना ही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे थ्योरी में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देयर इज नो सच प्रैक्टिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जिस्ट ऑन दिस। थैंक यू।